शायर अहमद निसार की नई और चौथी किताब सराहने मीर का आज वासेपुर बाईपास स्थित किड्स कैंपस में विमोचन किया गया। बता दें कि गजल संग्रह सराहने मीर के छपाई के लिए भी राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद दिल्ली ने अहमद निसार को आर्थिक सहयोग दिया है। राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद से अहमद निसार को अब तक 4 किताबों के छपाई के लिए आर्थिक सहयोग मिल चुका है। वर्ष 2015 में बरगे उम्मीद, 2016 में हवा के हाथ, 2019 में मौसम खिलाफ था और 2021 में सराहने मीर के अहमद निसार के गजल संग्रह पर डॉक्टर रऊफ खैर हैदराबाद, प्रोफेसर अली अहमद फातमी प्रयागराज, सलीम अंसारी जबलपुर, गुलाम नबी कुमार कश्मीर, मिराज अहमद मिराज जैसे दिग्गजों ने अपने विचार दिए हैं। विमोचन के बाद अहमद निसार ने जो गजलें सुनाई उनके निम्नलिखित शेरों को बहुत पसंद किया गया। लोगों ने अहमद निसार को दाद और मुबारकबाद दी। जी बताएंगे आज क्या पुस्तक का विमोचन किया गया है, इससे पहले भी आपको पुस्तक आ गई। मेरी चौथी किताब, चौथा गजल संग्रह सराहने मीर के, जिसका नाम है, इसका विमोचन किया गया। ये किताब नेशनल काउंसिल प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज दिल्ली से मंजूर हुई थी, उसी के माली ताउन से इस किताब की छपाई मुमकिन हो सकी है। ये मेरा चौथा शेरी मजमुआ है और ये चारों मजमुए नेशनल काउंसिल प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के इमदाद से शाये हुआ है। आज इसी की तकरीब रखी गई थी। किताब में जो भी लेख लिखी गई है, क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? जो गजलें हैं, मैं जाती तौर पर जो महसूस करता हूँ और जो आसपास की घटनाओं को देखता हूँ उसको अपनी शायरी में बयान करता हूँ। एक शेर सुन लीजिए। मुझे उड़ने को कहता है शिकारी, मुझे उड़ने को कहता है शिकारी, कतर कर आज सारे पर हमारे। यही कुछ ना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अहमद निसार हुआ। मैं 1980 से लेखनी से जुड़ा हुआ हूँ। धनबाद से आलमी फलक नाम की एक साहित्यिक पत्रिका का संपादन करता हूँ, जिसके 7 सुमारे अभी तक आ चुके हैं। इसमें हिंदुस्तान और विदेश के रचनाकारों को शामिल किया जाता है। ये 320 पेज की किताब हुआ करती है, जिसकी कीमत 300 रुपये है।